अस्सलामुअलैकुम समरोज किचन में मैं हूँ समरीन फिरोज़ एक बार फिर आपके सामने नई रेसिपी के साथ। जी मैं आज आपके साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूँगी, कुछ लोग टिकिया भी कहते हैं। आज मैं आपको शामी कबाब बहुत इजी तरीके से बनाना बताऊँगी, बिल्कुल घर के मसालों से, नॉट अलाउ बाहर के पैकेट्स, बिल्कुल मैं अपने घर के किचन के मसालों से आपको शामी कबाब की रेसिपी दूँगी और उससे मैं इतने इजी तरीके से बनाऊंगी। ना ही मैं चॉपर यूज़ करूंगी और ना ही सिल बट्टे का इस्तेमाल करूंगी, लेकिन फिर भी रेशे वाला शामी कबाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो चले आए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले मैंने एक कुकर लिया है। जी हाँ, आज मैं कुकर में शामी कबाब बनाऊंगी। और ये देखें तकरीबन जो है ये आधा किलो बीफ है, मैंने इसकी कोई छोटी बोटियाँ नहीं की हैं। ये देखा आपने, मैंने जो है गोश्त वाले से एक लोथड़ा टाइप का होता है वो मैंने लिया आधा किलो, और घर पर आकर मैंने इसके इस तरह से बड़े बड़े पीसेस किए हैं। एक दरमियाने साइज़ का प्याज है और ये साबित सूख मिर्च है, तकरीबन मैंने 10 से 15 यूज़ किए हैं। आपने जितना यूज़ करना है, जितना स्पाइस आपने रखना है आप उस हिसाब से रखेंगे, वो मैंने इसमें डाल दिया। आधा किलो बीफ की जो है बड़ी बोटियाँ हैं, नॉट स्मॉल साइज़ है। और ये 2 चम्मच जो है, ये देखें खाने वाले 2 चम्मच से मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा काली मिर्च और 1 टीस्पून और मैं डालूँगी। गरम मसाला भरकर 1 टीस्पून। अब मैं इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी आपस में। आधा गिलास तकरीबन मैं इसमें पानी डालूँगी, 1 गिलास तकरीबन चला गया है। अब मैं इसे ढक्कन लगाकर जो है चूल्हे पे चढ़ा दूँगी। तकरीबन प्रेशर कुकर में जब हमारी सीटी बजने लगेगी उसके बाद से मैं काउंट स्टार्ट करूँगी। 15 मिनट जो है वो मैं काउंट स्टार्ट करूँगी और उसके बाद 15 मिनट्स के बाद मैं जो है चूल्हा बंद करके अपना ये कुकर का ढक्कन जो है सीटी खोल करके कुकर का ढक्कन मैं खोल लूँगी। 1 कप चने की दाल को मैंने साफ़ करके धो करके ये देखिए मैंने भिगो कर रख दिया है। 15 मिनट हो गए थे, मैंने देखें ये उतार लिया है अपने कुकर को। गोश्त माशाल्लाह से हाफ डन हो चुका है और ये देखें ये मैंने दाल जो है 1 कप जो है वो भिगो कर जो रखे थे वो अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और अब मैं इसे बहुत अच्छे से मिलाऊँगी। ये तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी फिर डालकर चढ़ा दिया है, जो हाफ डन हमारा गोश्त है वो भी गल जाएगा और दाल भी जो है प्रॉपर सही से गलेगी, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं रहेगी और सख्त भी नहीं रहेगी। अभी भी मैं इसे तकरीबन वही प्रोसीजर है कि सीटी बजने लगेगी उसके बाद मैं अपना काउंट टाइम स्टार्ट करूँगी 15 मिनट्स, फिर उसके बाद मैं चूल्हा ऑफ करके अपना जो है ये फिर ढक्कन इसका खोल लूँगी। देखिए मैंने 15 मिनट सीटी बजने के बाद जो है ये देखिए मैंने उतार लिया है कुकर को। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा, कोई ऐसा पानी नहीं है इसके अंदर, मैंने बिल्कुल इतना बराबर पानी डाला था कि वो बिल्कुल हमारा जो है ये देखिए दाल भी गल गया और बाकी जो हमारा हाफ डन गोश्त था वो भी फुल डन हो गया है। ठीक है, अब मैं इन चीज़ों को जो है इसको दाल और गोश्त को ये देखें ये घोटन कहलाता है, ठीक है, इससे जो है मैं इसको अच्छे तरीके से पीस लूँगी, मिक्स कर लूँगी। ये देखें तमाम गोश्त और चने की दाल को मैंने दस्ते की मदद से जो है वो कुचल लिया या कहें पीस लिया। ये आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सी, ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे चॉपर किया है या सिल बट्टे में इसे पीसा है। ठीक है, अब मैं इसमें स्पाइसेस जो है वो ऐड करूँगी। ये देखिए मेरे पास साबित धनिया था, इसको मैंने जो है थोड़ा सा मोटा कूट लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसा इसे मैंने, तकरीबन 1 टेबल स्पून है ये, 1.5 टेबल स्पून है सॉरी। नमक है हसबे जायका, गरम मसाला है 1 टीस्पून, कसूरी मेथी है 1 टीस्पून, ज़ीरा काली मिर्च जो है ये भी देखें बिल्कुल दानेदार कुटा हुआ है, ये है तकरीबन 1.5 टीस्पून। ये देखिए अजवाइन है मेरे पास 1/2 टीस्पून। जावेत्री और जायफल जो पाउडर है ये भी तकरीबन 1/2 टीस्पून है। अब मैं तमाम स्पाइसेस को इसके अंदर जो है अपने कीमे में गोश्त जो है शामी कबाब का उसके अंदर मैं डाल दी हूँ, और डालने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखिए मैंने मसालों को बहुत अच्छे से जो है अपने इसमें गोश्त में और दाल में मिला लिया है। आप देखें अभी से इसकी रेशू बन रहा है, ये आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है, ये हमारा शामी कबाब तैयार होने वाला है माशाल्लाह से।
ये देखिए तकरीबन एक दरमियाना जो है प्याज लिया मैंने, उसको छील करके बारीक चॉप कर लिया है। हरी मिर्चें हसबे जायका मैंने जो है 5 से 6 ली हैं, क्योंकि हमारे घर में जो है तेज़ मिर्चें खाई जाती हैं, तो उस हिसाब से मैंने रखा है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। और ये हरा धनिया और पुदीना है, ये मेरे पास थोड़े से थे तो मैंने यही यूज़ किए हैं, आपने जितना रखना है आप इतना यूज़ करें। अब मैं इन तमाम चीज़ों को जो है इसमें डाल दूँगी मिक्सचर में, और इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। ये देखें ब्रेड क्रम्स है मेरे पास, ये मेरे अपने घर का बना हुआ है, ये मैं इसमें 2 टेबल स्पून डालूँगी। अब मैं इसे भी बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। देखिए मैंने 2 eggs लिए हैं, लेकिन पहले मैं 1 egg जो है वो डालूँगी इसमें। सबसे पहले एक मैंने प्याली ली है चेक करने के लिए, उसमें मैंने अंडा डाला है, कहीं अंडा हमारा कोई ख़राब तो नहीं है, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसे अपने शामी कबाब में ऐड करूँगी। दूसरा अंडा भी मैं तोड़ कर चेक करूँगी। अब मैं इन अंडों को जो है अपने शामी कबाब में मिक्स करूँगी। बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि शामी कबाब में बहुत अच्छे तरीके से अंडे जो है मिक्स हो जाएं, बाकी तमाम चीज़ें वो भी बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। मैंने अंडे को और बाकी तमाम मसाले को, प्याज वगैरह सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जो है अपने शामी कबाब में मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके शेप बनाऊँगी। आपको जिस तरीके से पसंद है, ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोग हैं कि गोल ही शेप बनाए, जिस तरह का भी आप चाहें बना सकते हैं। मैं आपको 1-2 शेप जो है दिखाऊंगी कि किस तरह से हम जो है शामी कबाब को और भी शेप दे सकते हैं। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा ऑयल अपने हाथों में लगाया है, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा सा इसमें से लूँगी, ये देख रहे हैं माशाल्लाह कितने रेशे बन रहे हैं इसके, ठीक है। ये ले करके मैं इसे, एक तो ये मैंने शामी कबाब वाला जो हम आम रूटीन में और तकरीबन लोग इसी तरीके से बनाते हैं, ये बनाया मैंने। और बहुत नॉर्मल मैंने यानी कि रखा है, नॉर्मल साइज़ रखा है, बहुत मैंने बड़ा नहीं किया है, बहुत छोटा नहीं किया है। आपको जिस तरह से पसंद है, बड़ा पसंद है आप बड़ा रखें, आपको छोटा पसंद है छोटा रखें, ये नॉर्मल मेरी तरह पसंद है तो आप इस तरह से नॉर्मल भी बनाएं, ये देखें, ठीक। अब ये मैं आपको दूसरा शेप दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बना रही हूँ। ये मैंने वैसे ही जो है पहले मैंने हल्का सा ऑयल लगाया अपनी फिंगर में, ठीक है। ऑयल लगाने के बाद ये देखिए मैंने पहले इसको गोल किया, ये मैं नगेट्स की शेप में बना रही हूँ, ये देखिए आप, ठीक है। आपको पता है बच्चे जो हैं वो तरह तरह के खाने पसंद करते हैं, उन्हें तरह तरह का लुक चाहिए, तरह तरह की टेस्ट चाहिए, तो बच्चों के माइंड के हिसाब से जो है हमें काम भी करना पड़ता है। बाज़ औक़ात थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन बच्चे खुश हो जाते हैं तो दिल खुश हो जाता है। ये देखें सही है, ये देखा आपने कितना ज़बरदस्त ये एक बन गया। और अब मैं एक सीख कबाब की तरह जो है इसको शेप दूंगी, यही सेम प्रोसीजर, हाथों में हल्का सा ऑयल लगाया मैंने, ठीक है, चिपक रहे, थोड़ा सा और मैं लगाऊंगी। और ये मैंने देखे आप किस तरीके से इसको जो है ये देखिए एक मैंने जो है सीख कबाब की तरह जो है इसको शेप दे दिया। और बाकी अब जो है मैं वही शामी कबाब की तरह जो है इसको टिकिया की तरह मैं शेप दूंगी। ये देखिए एक फ्राई पैन में मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल लेकर के इसमें रख दिया था गर्म होने के लिए। अब मैं चेक करूंगी कि ये गर्म हुआ है कि नहीं हुआ। देखिए फिर वही प्रोसीजर जो मैं आपको बता रही हूँ कि स्टिक हमने रखा है और इसके साइडों से जो है नीचे से बबल्स आना शुरू हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा ऑयल माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें अपने कबाब डालूंगी। जब ये हमारा नीचे की साइड को लाइट गोल्डन हो जाएगा तो फिर मैं इसे टर्न कर दूंगी। ये देखिए वन साइड हमारा जो है लाइट गोल्डन हो गया था, मैंने जो है अब इसको टर्न कर दिया है। इसी तरह मैं सारे जो है कबाब को पलट दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह शामी कबाब जो है हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। अब मैं इसको निकालूंगी। ये देखिए मैंने जो है पेपर रखा है कॉपीज के जो है पेज, वजह यह है कि जितने इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो जो है इसमें जब्स हो जाए। ये देखें ये मैंने कबाब स्टाइल के जो हैं शेप बनाए थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये नरगिस स्टाइल है,
और ये हमारा जो है शामी कबाब ओरिजिनल स्टाइल है, ठीक है। अब ये भी इसी तरीके से गोल्डन हो जाएंगे, फ्राई गोल्डन हो जाएंगे, तो मैं निकाल लूँगी। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखा दोस्तों क्या ज़बरदस्त सा हमारा ये शामी कबाब रेडी हो चुका है। ना ही मैंने इसको चॉपर किया, ना ही मैंने इसको सिल बट्टे में पीसा, और ना ही कोई एक्स्ट्रा पतीली यूज़ हुई। जनाब एक ही चीज़ में तमाम काम हो गया है, और बहुत कम मेहनत में बहुत ज़बरदस्त से ये शामी कबाब रेडी हो गए। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ज़बरदस्त इसका जायका है, और घर के मसालों से जो चीज़ें बनती हैं परफेक्टली बनती हैं और बड़े जायकेदार बनती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप जो है इसे बनाएंगे और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। तो जनाब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरा और आपका दस्तरखान यूं ही हज़ार नेमतों से सजाए रखे। और एक बहुत ज़रूरी बात आपसे कहनी है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस पसंद आती हैं तो, और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर बताएं, और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जनाब देखा आपने मुख्तलिफ शेप्स के जो हैं बहुत ज़बरदस्त से शामी कबाब रेडी हो गए हैं। चले अल्लाह हाफिज़।